चलो, ये वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत सारे क्लिप निकाले, मेरे को अभी उसको धीरे धीरे पार्ट में करके डालना है, तो ये वीडियो लंबी बनेगी, प्लीज़ देखना। और बहुत मेहनत लगी यार, कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांग रहा, देख लो ये वीडियो। हाँ ना भाई, नहीं भाई मैं 3 साल से कर रहा हूँ भैया, देखा नहीं तुमने? सो ऑर्डर आएगा तो पहले ऐसा ब्लिंक करेगा, देन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डर करना है, पर वेट करने को नहीं। ये वो सब एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल रॉज ब्लॉग। तो आज हम आ चुके हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो न्यू ब्लॉग इस पे होने वाला है कि आज एक डिलीवरी बॉय की लाइफ हम लोग एक्सप्लोर करने वाले, क्या कैसा रहता है। सो आज के वीडियो में बहुत कुछ देखने मिलेगा, डिलीवरी बॉय और जोमेटो की हम लोग करने वाले हैं। सो बने रहिए एंड तक, देखते हैं आज एक जोमेटो बॉय को क्या क्या फेस करना पड़ता है, वन डे लाइफ बिताते और आपको दिखाते कैसा रहता है। आज का वीडियो यहाँ पर शूट कर रहे थे हमारे यहाँ पे, जिसको ग्राउंड बोलते हैं डालमे के नाम से जानते हैं, वैसे तो प्रॉपर्टी गोदरेज की है बट हम लोग खेलने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो आज ये जाएगा साथ में और ये छोटा सा आप काम आएगा कैमरा चार्ज करने को, ये चाबी है और जोमेटो का रेनकोट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, मेन चीज़ तो यही है, इसके अंदर पूरा सामान बड़ा है, तो ये पूरा भंडार होने वाला है आज अपने साथ। सो 10 मिनट बाकी है लॉगिन करने का, टाइम बाकी है 12 बजने को, 10 मिनट बाकी है, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा लेता हूँ फिर देन निकलते। और पूरा जगह मगा देख लिया आपने, अभी ऑनलाइन बाकी, वेरिफिकेशन बाकी, एक फ़ोटो मेरा देना पड़ेगा विदाउट मास्क, और एक बैग है और मास्क का और टी शर्ट का, ये दे के खा के मिलता हूँ मैं। तो ये कुछ ड्रेस कोड रहता है, मैंने मेरे टी शर्ट के ऊपर ही पहन लिया, अभी लॉगिन का भी प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। तो जी बैग आ चुका है, ये हेलमेट आ चुका है, लेट्स गो, आज देखते हैं। ये रही गाड़ी, सो पहुंच गए हैं, अभी 20 मिनट वेटिंग निकाला है, 20 मिनट वेट करने के बाद ही मिलेगा, तब तक उनको ऑर्डर नंबर बोल देते हैं भाई। तो ये कुछ अपनी गाड़ी है और ये सेटअप है, और गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है, ये मैं बताना भूल गया आप लोग को कि ये मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था जोगेश्वरी में, और गाड़ी की अच्छी खासी लग चुकी है, देखो न्यू गाड़ी पर नया नया स्क्रैच, और ये हेडलाइट भी अंदर चला गया, हेडलाइट गया, फिन हमारा मांग टीका चला गया। तो ऑर्डर मिल चुका है, ये हेलमेट रखो इधर, बैग खोलो, ये ऑर्डर सेफली अंदर बंद, ऑर्डर डिलीवर करना है कैलाश विशेष पार्क, लोकेशन देख लिया, चलो चलो मैप चालू हो चुका है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आगे पीछे देख लिया और चलो। वैसे तो लोकेशन मेरे को पता है बट आप लोग को दिखाने के लिए मुझे मैप चालू करके जाना पड़ेगा। तो मैप चालू है, देखो इधर से शॉर्टकट है, सीधा मिलते हैं। चलिए अपना खाता तो खुल चुका है, अभी कोई बात नहीं है, बढ़ते हैं लोकेशन की ओर। फिर गिड्स कहते हैं, और इसके पहले भी एक आता जिसको मिंजी बोलते हैं, मिंजी। तो कैसा मिंजी वाला, अगर एक बंदे से दूसरे बंदे को रेफर करेगा तो मिंजी वाली आईडी बनेगी, और जैसे मैं गिड्स वाला मैं रेफर करूंगा तो गिड्स वाली आईडी बनेगी। तो ये भी एक प्रोसेस है जो आपको बता दिया हूँ, अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए रहेगी तो फिर अभी किसी न किसी को लॉग इन कराना पड़ेगा मेरे को, तो मिल जाएगा आपको वो भी, अगर चाहिए रहेगा तो कमेंट डाउन करो। फिलहाल लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं, बस 2 मिनट बता रहा, 800 मीटर, आप लोग भी जानते रहेंगे कैलाश बिजनेस पार्क, वहाँ पर जाना है। और इसमें हर वेनेसडे और सैटरडे ऑफर आता है, कंटिन्यू 3 गिट्स मारो देन कुछ 75, और कंटिन्यू अगर 6 गिट्स मारो तो 325, ऐसे सब करके ऑफर्स आते रहते हैं। तो मुझे यही चिपकानी पड़ेगी किसके ना किसके साथ। अच्छा आप लगा रहे हो, ठीक है फिर मैं कोई दूसरी जुगाड़ ढूंढता हूँ। नहीं एक्चुअली वहाँ पर होता था, जब से ऑर्डर लगने लगे तब से यहाँ पे हो गया ना, अभी टो भी बंद हो गया ना। हाँ ना भाई, नहीं भाई मैं 3 साल से कर रहा हूँ भैया, देखा नहीं तुमने? नहीं मेरा, मैं तो 3 साल से चल रहा भाई, उसको ब्लॉग को ये दिखाया ना, उसने बाद में कैमरा दिखाया ना।
अरे भाई पूरे YouTube पे वही चल रहा है, पूरा YouTube Instagram पे यही चल रहा है। निकाल रहे हो, निकाल रहे हो। अरे भाई आजकल तो यही करवा चालू है। ये देख के पुलिस वाले रिश्वत भी नहीं लेते। नहीं भाई मैं तो मेरे से आज तक जितने पुलिस वाले लोग मिले उल्टा मेरा चैनल सब्सक्राइब मारे, देखो आज तक फाइन नहीं मारा। ले ले भाई ले ले। जोमेटो मारो गीच। हो रहा है, मैं तो आज बहुत दिन के बाद मार रहा हूँ, उससे पहले बंद ही था मेरा। ये मेरा 6000 का है यार। मेरा ये इतना बड़ा हेलमेट है, मेरे को तो अंदर ही लेके जाना पड़ेगा। गिरेगी तो नहीं? बहुत बार गिर चुकी है मेरी। ए भाई गिर जाएगी, इसको क्रॉस में लगाना था, क्रॉस में डबल पे लगा दो। मेरे साथ बहुत बार गिर चुकी है भाई ये। नई गाड़ी मेरी बहुत गिरी, मेरी एंटो कितने नहीं गिरी जितने मेरे से ये गिर गई। अरे उठ जा भगवान। हाँ अब मैं आराम से देख के आता हूँ। सब लोग कैमरा देख के आज वही पूछेंगे, बोले भाई तुमने देखी है उसकी वीडियो। चलो अतुल जायसवाल जी आपका ऑर्डर आ रहा है, ड्रॉप लोकेशन पहुँच चुके हैं। चलिए इनका ऑर्डर निकाल लेते हैं। हेलमेट तो लेके ही जाना पड़ेगा अंदर। पहला ऑर्डर कंप्लीट होते हुए दूसरा ऑर्डर लगाए फिट ईट का, चलते हैं। अभी निकलते हैं, लिफ्ट में हूँ। आपको एक ऑर्डर दिखाता हूँ, बाकी सब देखते रहना आप वन बाय वन। सेकंड ऑर्डर, ये पहले चेक कर लेना चाहिए करली है कि नहीं, फिर नहीं रहेगा तो आप पिकअप करो, नहीं तो रेस्टोरेंट पे बोलना क्या सर आप इसको अच्छे से पैक करके दो, वरना ये इफेक्ट आपकी आईडी पे पड़ेगा और आईडी बंद हो जाएगी। बंद मीन्स टर्मिनेट हो जाएगी एक दो वीक के लिए। चलते हैं अभी मेरी फेवरेट जगह जा रहे हैं हम। तो ऑर्डर उठा लिया फिट एंड ईट से। ईट या फिट, ईट फिट है कि फिट ईट है, मैं इसमें कन्फ्यूज हूँ। मैंने नाम देखा नहीं, खाली लोग नंबर से आ गया। तो अभी जाना है अपने को हीरा अंदर IIT। यहाँ से बाय द वे नज़दीक ही ये सब ऑर्डर नज़दीक नज़दीक के ही दे रहे हैं। और मैंने पता नहीं, मुझे मैंने लिफ्ट में इसको पिकअप किया था ऑर्डर को, लिफ्ट में लिफ्ट के बाहर पिकअप किया था। अमाउंट नहीं देखा मैंने इसमें, सो फार सो गुड, अच्छा ही देखा। एक्चुअली क्या हुआ कि फूड अवेलेबल ही नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक था। तो बात कस्टमर से बात कराया मैंने उनकी, अब वो फूड की जगह वही अमाउंट सेम अमाउंट में कुछ उसी जगह रिप्लेस में कुछ और खाने को ले लेंगे, अभी उनके ऊपर था। लेकिन ये आप लोग के साथ जब भी फेस हो तो प्लीज़ पहले कस्टमर को कॉल करो, और मर्चेंट से एग्रीमेंट करके कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो सीधा बोलेगा स्टॉक आउट है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें क्या होता मालूम, आपका टाइम बचता है, आर्ग्यूमेंट मत करो, डायरेक्ट कस्टमर को कॉल मिलाओ, डायरेक्ट कस्टमर को कॉल मिला के बात कराओ, बोलो सर देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आपका फूड अवेलेबल नहीं है, आप उसकी जगह पे कुछ और मंगा सकते हो आउट ऑफ स्टॉक, आप डायरेक्ट रेस्टोरेंट से बात कर लो, और फ़ोन उनको थमा देने का। मैंने भी वही किया, फ़ोन थमा दिया, मेरा काम हो गया। और हाँ अभी याद आया, मैं बता रहा था आपको गाड़ी के बारे में। तो गाड़ी तो लेना है नया, बट उससे पहले मेरी एक कहानी सुन लो, देन आप उसके बारे में बताना। जोगेश्वरी को 6 तारीख को मैं मेरे फ्रेंड के साथ ऑर्डर मार रहा था, सेम जोमेटो कर रहा था मैं। यार फ़ोन आ गया फ्रेंड का, रुका के अटेंड करता हूँ। हॉस्टल 18। हाँ हाँ बस मजा रहे, कहाँ हो तुम? ओके आता हूँ अंदर ऑर्डर छोड़ के। और एक्चुअली मेरी गलती नहीं थी, वो टाइम कैमरा भी नहीं था। ये हुआ मेरे साथ कि जैसे कि ये सिग्नल खुला हुआ है, ये रोड पवई जाता है, हाँ ये रोड पवई जाता है, और मुझे जाना है पवई। और मेरे पास एक और फ्रेंड के पास केक था, ड्राइव मैं कर रहा था, मेरी गाड़ी से मार रहे थे। तो क्या सीन हुआ कि जैसे कि अभी देखो ये कार के साथ ये जा रहा है और ये सिग्नल मेरा खुला हुआ है, ये कार भी मतलब वो एक्टिव हो, ये थी और रिक्शा थी, वो सडनली ना पहले उसने ब्रेक मारा, उसका सिग्नल बंद था, उसने पहले ब्रेक मारा, देन उसने फिर ब्रेक मारा। मैं फिर उसको, मेरे को लगा कि ठीक है रुक गया है, मैं चले जाता हूँ, ऐसी रोड था, मैं जा मेरी नॉर्मल स्पीड 30 से 40 के बीच में थी, और भाई साहब ने अचानक लिया गाड़ी बाहर और धाड़ करके मेरी गाड़ी गिरी। मैं सीधा उल्टी पलटी होके सीधा उसके टायर के पास जाके गिर गया, और मेरा फ्रेंड था जो पीछे, वो सीधा शक्तिमान जैसा खड़ा हो गया पीछे जाके, जेठालाल जैसा हाथ कमर पे रख के। उसका नंबर भी देख लिया था MS0, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, आप भी देख लो अगर कहीं मिला तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी। मैंने उसके नाम पे जोगेश्वरी पुलिस
पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दिया हूँ, तो आपको कभी मिलेगा तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, टेक्स्ट कर दो और ईमेल कर दो उसका अगर आपको मिल गया तो, क्योंकि मैंने एम परिवहन पे भी चेक किया था, मुझे उसका कुछ डिटेल मिला नहीं है। गलती उनकी थी, मैंने कुछ गाली भी नहीं दिया, एटलीस्ट मैं मुझे रिक्शे के सामने गिरा था, मुझे उठा सकते थे, मुझे उठाया भी नहीं, और सेकेंड थिंग उठाया भी नहीं, और मैं जैसे उनकी गाड़ी के सामने से उठा, मैं उनकी गाड़ी के सामने से जैसे उठा, वो अंकल ने ऐसा टर्न मार के सीधा हाईवे कनेक्ट कर लिया, और मैं उनके पीछे भागू तो भागू कैसे, क्योंकि मैं राइट में गया तो राइट में सीधा हाईवे टच हो रहा था, एक्स मैसेज हाईवे, और नीचे एक सिटी के लिए अंदर मतलब कोई एरिया के लिए जगह टच हो रहा था। अब मैं क्या करता, मैं चुपचाप उठा, उनका नंबर तो याद था, गया पुलिस चौकी में कंप्लेंट किया, एफ आई आर की कॉपी लेनी थी, वो भी नहीं किया अभी तक लेने के लिए, मैं बस यही थी हादसा। और यार नई नई गाड़ी ठोक दिया मेरी, यार बहुत दुख होता जब आपकी कोई नई गाड़ी पे ठोक दे, मुझे ये नहीं चाहता कि अंकल मेरे को पैसा दे दो, एटलीस्ट मेरे को उठा लेते वहाँ पे, आप ठोक के चले गए, वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही थी, डंपर आ रहे थे, ट्रक्स आ रहे थे, टेम्पो आ रहे थे, उठा लेते ना एटलीस्ट, मैं आपको कुछ नहीं बोलता हूँ, चलो ठीक है अंकल जाने दो, जो नुकसान हुआ तो मुझे भरना ही है, मैं खुद से भरूंगा आप मत भरो, लेकिन इंसानियत के नाते मेरे को उठाओ, तो अगर वही जगह पे मुझे कुछ हो जाता है कि मेरी डेथ हो जाती है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो मेरे साथ, पर कभी डेथ हो जाती है तो आप वैसे ठोक के भाग जाते, बस मुझे ये थोड़ा ऐसा मन में खटका, तो मैं सोचा आप लोग को बता दूँ। अरे सर एंट्री नहीं मारूंगा तो कैसे जाने देते, यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा, आज खाली एंट्री है, तो निकलते हैं यहाँ से, एंट्री हो गई, क्योंकि मेरा नंबर पहले से रजिस्टर है, रजिस्टर है तो इसके लिए थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि आपको किने पूरा मतलब रजिस्टर नहीं रहेगा तो आपका आधार कार्ड, एड्रेस, फोन नंबर, लाइसेंस, ये सब मतलब इनके सेफ्टी के लिए, क्योंकि आईआईटी बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, बट एक बार आपका एंट्री हो गया ना तो उसके बाद आपको बेसिकली जाने दो, जैसा है नंबर आया, नाम आया, फोटो आया, जाने दो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। बाकी ये आईआईटी मुझे बहुत पसंद है भाई, मैं इसके अंदर आता हूँ ना ऑर्डर लेने के लिए, तो मेरा जो छोटा हेलमेट रहता है हाफ फेस वाला, वो हाफ फेस वाले हेलमेट का मेरे को अच्छा, मैं उसको निकालता हूँ, गाड़ी नॉर्मल 20 के स्पीड में रखता हूँ, और बाप रे बाप क्या मस्त लगता है, एकदम फुल ठंडा। तो हम रुकेंगे यहाँ पर छाँव में, ये हमने लगा दिया ब्रेक, अब फोन किया गया, लगाई गया कॉल, हाँ सर वहां पर ही हूँ, अभी कस्टमर आएगा और मैं आपको दिखा दे एक ट्रिप। सो अभी मैंने ऑर्डर कर दिया है हैंडओवर, अभी इसको करते हैं, ये दे देते हैं रेटिंग कस्टमर को, और इसकी कुछ अर्निंग हुई है 66 है, और नेक्स्ट ऑर्डर करते हैं। सो अभी कैरिकल्चर दिखा रहा नज़दीक में, कैमरे की बैटरी डेड हो गई, उसको चार्ज पे लगा दिए और चार्ज हो रही है, और इसको रखते हैं बैग में और फ़ोन रखते हैं यहाँ पे। सो ऑर्डर आएगा तो पहले ऐसा ब्लिंक करेगा, देन आपको एक्सेप्ट ऑर्डर करना है, ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया, यहाँ से आपको देखना है कि क्या है, अभी अभी तो मुझे पता ही है पहले से। सो अभी का मेरा लास्ट ऑर्डर है, ये ऑर्डर मानने के बाद घर पे जाऊँगा, और रुका हूँ यहाँ पे रुका हूँ, दिख रहा है वो नाम दिख रहा है वो कढ़ाई करके, उधर से मार के घर पे जाऊँगा, सब लोग घर पे जा रहे हैं, 3-4 का स्लॉट बुक हो गया है। सो 20 मिनट से रुका, अभी तक ऑर्डर मिला नहीं है, और देखते कब मिलेगा, अच्छा कि घर के पास का ऑर्डर है कि छोड़ के फटाक से घर पे चले आऊँगा, मज़ा आएगा, पर वेट करने को नहीं। बारिश चालू हो गई है, फोन बैग में डाल देता हूँ, बाकी सबको ऑर्डर पहुँच गया, लास्ट ऑर्डर है, इसके बाद फिर शाम को लॉग इन होऊंगा, 6 बजे भी हो सकता हो, 7 बजे भी हो सकता हो, मेरे ऊपर डिपेंड है गीट्स बुक करने के ऊपर। फिलहाल तो मैं निकलता हूँ यहाँ से, बारिश तेज हो रही है, रेनकोट पहनने की ज़रूरत तो नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ पहन लूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। अरे बाप रे, पापा की तबीयत, दूरी रुक जाओ, मिनिमम डिस्टेंस बनाएंगे, अपनी गाड़ी बस 4000 पहुँचने वाली है, एक दिन में गया था इसको लेकर सर्विसिंग कराने के लिए, कुछ 35 से 4000 के बीच वाला था,
मैंने इसका ब्लॉग मैंने शूट किया था, कुछ क्लिप पर मेरा फोन ना चलने के कारण वो क्लिप कहीं वहाँ यहाँ से निकल के चली गई। भाई बहुत जोरदार हो रही है, मैं तो बोल रहा रेनकोट पहन लो क्या, तो उसे भी ऊपर से डालना पड़ेगा पूरा, वैसा कवर वाला रेनकोट नहीं है। क्या हो गया, चलो थैंक यू, मैं राउंड मार के जाऊंगा। तो अभी ऑर्डर मार के आ चुका घर पे और पूरा भीग चुका हूँ, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, हेलमेट भी इधर रखा हुआ है और बैटरी भी डेड हो चुकी थी, तो मैं बोला चलो घर के पास ही जाना है, अच्छे से पहुँच जाएंगे। और भाई साहब बहुत गंदी बारिश हो गई, अब 7 बजे निकलेंगे, सो सी यू 7 o'clock। सो अभी का सेकेंड टाइम है लॉग इन करने का, तो सेकेंड टाइम लॉग इन करते हैं, मैं कुछ खा लिया हूँ और चलते हैं, रेनकोट लेना पड़ेगा, आज 25 रुपये एक्स्ट्रा चल रहे हैं नाइट में। सो कोई मिल गया का जादू बन चुका है, हेलमेट इधर है, कैमरा चार्जिंग पे, और अभी ऑर्डर आने वाला है, लग चुका है बीफ और बिरयानी और यही है पैको पैको। और अभी यहाँ से जाना है मेरे को घाटकोपर CHS और शिव प्रसाद CHS। चलो भाई ऑर्डर लग चुका है, सॉरी पिकअप भी नहीं किया था, मैं पिकअप कर लिया, रेटिंग दे दो 5 स्टार। और ये इतना 5 किलोमीटर का एरिया है, चलना है गूगल मैप से, और फ़ोन का देखिए क्या जुगाड़ लगाया मैंने, उसे तो सब लोग ही लगा था। चलो अभी अपने घाट को ऊपर जाने का, शिव प्रसाद CHS, मेरे को लग रहा है इधर ही रुक जाएगा, आगे रुक जा मैं। सबवे का ऑर्डर लगा है, पिकअप कर लिया है और बस डिलीवर करना है। सो अभी ऑर्डर दे चुका हूँ, अभी चलते हैं, बहुत आज बहुत कम ऑर्डर लग रहा है, आज की अर्निंग मेरे को लगता नहीं ज़्यादा होगी, तो भी जैसी होगी आपको बताएंगे। ऑर्डर ड्रॉप हो चुका है, तो अभी मैं जा रहा हूँ चीजी चीज का पिज्ज़ा लेने के लिए, और जो है साकीनाका में, साकीनाका से इसको लेके जाना है मरोन द, क्या नाम था उसका, ओएसएस विस्तार ऐसा नाम है। तो यार इंडिकेटर कौन सी भाई, इंडिकेटर कहाँ डाल लेता है, हमें भी पता, हम भी डाल ले वहीं। बहुत गंदी ट्रैफिक लगी है भाई, ये देखो पिछले 20 मिनट से खड़ा हूँ यहाँ पे, 20 मिनट से अभी तक हिटी नहीं गाड़ी, गाड़ी मारे अभी, वही दे दो, मेरा मल्टी ऑर्डर है। ओ वन 1011। सो अभी पहला ऑर्डर छोड़ा है, अरे वाह क्या लाइट आ रही है, व्यवस्था में अब निकलते सेकंड ऑर्डर की तरफ। तो अभी मल्टी ऑर्डर कम्प्लीट हो गए और कनकिया रेन फॉरेस्ट में आया था, अभी यहाँ से जाना है नंदन धाम, पिज़्ज़ा का ऑर्डर लगा है, अभी पता नहीं इसको कहाँ लेके जाना है, बट आपसे ऐसे ही मिलते रहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा अभी रिक्स हो रहा है, इसको चार्जिंग भी करने को, क्योंकि बारिश आप देख सकते हो बहुत हो रही है, देखो समझ जाओगे बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है, और मेरा मन भी नहीं कर रहा आज ऑर्डर मारने को, पता नहीं क्यों। हाँ थैंक यू, रेडी भी मार दिए, ऑर्डर भी मिल गया, अभी चलो GST यही है सर, शायद 4-5 इसके अंदर ही है, नंबर कितना दिया हुआ है, 2। सो लास्ट ऑर्डर भेजा है अंधेरी ईस्ट, अंधेरी ईस्ट जा रहे हैं, और कैमरा चालू करता हूँ। सो रेडी लास्ट ऑर्डर, देन विल वी गो होम, लेकिन ये बहुत लंबा भेज दिया, अंधेरी भेज दिया है, 7 किलोमीटर दिखा रहा है, अंधेरी ईस्ट ही है, ये प्लस पॉइंट है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो लेफ्ट लेते हैं, कितना टाइम दिखा रहा है, चलो
ये वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत सारे क्लिप निकाले हैं, मेरे को अभी इसको धीरे धीरे पार्ट में करके डालना है, तो ये वीडियो लंबी बनेगी, प्लीज देखना। और बहुत मेहनत लगी यार, कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांग रहा, देख लो ये वीडियो। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई ध्यान वान है कि नहीं कुछ? सारगत पड़ा है। रॉक व्यू, रॉक व्यू। हेलो, रॉक व्यू। क्या है भाई ये बंदा, अबे क्या करूं इसका। हेलो, रॉक व्यू, रॉक व्यू। पी के बैठा है क्या भाई? भाई कहीं कोई है यार तो प्लीज मेरे को बताओ। ये चूतिया, ए भाई, ओए, रॉक व्यू, रॉक व्यू। अरे रॉक व्यू पूछ रहा हूँ, रॉक व्यू यही है ना? भाई साहब अभी घर की ओर आ चुके हैं, इतना शांति लग रहा है मेरे को, इसके पहले से लग रहा था कब घर जाऊंगा, कब घर जाऊंगा, ऐसे तो अभी घर आ गया तो बस ऐश। सो वीडियो आज एडिट किया मैंने 26 की नाइट में 2 बजे, देख लो 2 बज रहा है, बस एडिटिंग ख़त्म हुई है, अभी गोडाउन पे था, काम चल रहा है, अभी बंद करके सुबह वीडियो आएगी, देखते कितने बजे आएगी, मैं सोऊंगा, उठूंगा, अपलोड तो अभी पता नहीं कब होएगा, पर आ जाएगा। और उस दिन का टोटल रनिंग था 987, और स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ यहाँ पे, देख लो। बहुत थक के घर पे पहुँचा था, ब्लॉग एंड भी नहीं किया, तो कैसा लगा ब्लॉग बता देना, और थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो देखा है तो कोई शेयर करो, लोग भी देखें।